नमस्कार शुभ सकाळ पालिका माध्यमिक शिक्षा विभाग आज के ऑनलाइन क्लास में उपस्थित नवी और दसवीं कक्षा का हार्दिक स्वागत करते हैं आज हिंदी विषय के व्याकरण इस घटक के संधि एवं कारक इस उपघटक की हम पढ़ाई करने वाले हैं इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित मुंबई महानगर पालिका एवं राज्य के सभी नवी और दसवीं कक्षा के छात्रों का मैं लीलाधर मोरे गणेश बाग मनपा माध्यमिक मराठी शाला कुरला पश्चिम आपका सहर्ष स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण के संधि एवं कारक इन दो उपघटकों की पढ़ाई करने वाले हैं दोस्तों आपको मालूम होगा कि व्याकरण की पढ़ाई करना क्यों महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी अगर हम व्याकरण की पढ़ाई करें तो हमें क्या क्या सीखने मिलता है इन बातों को जरा हम पढ़ लेंगे व्याकरण की पढ़ाई करना क्यों महत्वपूर्ण है व्याकरण की पढ़ाई करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि कौन सी भी भाषा हो उस भाषा का सौंदर्य उस भाषा की शुद्धता अगर हमें जाननी हो तो हमें व्याकरण की पढ़ाई करना जरूरी है भाषा चाहे कौन सी भी हो मराठी हो हिंदी हो इंग्लिश हो उर्दू उर्दू हो या तमिल हो कौन सी भी भाषा के व्याकरण की पढ़ाई करने के बाद उस भाषा की शुद्धता एवं सुंदरता का हमें ज्ञान होता है इसलिए हमें व्याकरण की पढ़ाई करना जरूरी है महत्वपूर्ण है दोस्तों हम संधि एवं कारण कारक की ओर तो जाएंगे ही उसके पहले हमारी जो हिंदी की कृति पत्रिका है उस कृति पत्रिका का अंक का वितरण यानी गुणों का वितरण कुछ इस तरह से होता है उसे हम पहले जान लेंगे कौन से भी घटक की पढ़ाई करने से पहले वह क्यों महत्वपूर्ण है उसकी पढ़ाई करना हमें क्यों जरूरी है यह बात अगर हमारे ध्यान में आ जाए तो हम उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं दोस्तों हमारे हिंदी की कृति पत्रिका के अंक वितरण में के कुल पांच घटक होते हैं और उनके लिए कुल अस्सी अंक होते हैं उसमें पहला घटक है गद्य आपके पाठ्य पुस्तक में जो गद्य पाठ है उन गद्य पाठों पर आधारित आपको बीस अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं कृति पूछी जाती है उसके बाद में दूसरा घटक है पद्य पद्य पर आधारित आपको बारह अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं तीसरा घटक है पूरक पठन पूरक पठन पर आधारित हमें आठ अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बाद है भाषा अध्ययन और व्याकरण जो कि चौदह अंकों के लिए इस घटक पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और लास्ट और पांचवा विभाग है रचना विभाग जिसमें पत्र लेखन कथा लेखन आदि आपको लिखना होता है और उसके लिए कुल अंक होते हैं छब्बीस दोस्तों यह अस्सी अंकों की कृति पत्रिका में आप अगर देखें तो जो चौथा घटक है जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है वह है भाषा अध्ययन और व्याकरण जिसके लिए अंक होते हैं चौदह अब इन चौदह अंकों में क्या क्या पूछा जाता है वो देखिए ये जो हमने देखा घटक चौथा भाषा अध्ययन और व्याकरण अंक चौदह। उन चौदह अंकों का वितरण कुछ इस प्रकार रहेगा ये जो भाषा अध्ययन और व्याकरण है इस घटक में कुल बारह उपघटक है और वो सॉरी ग्यारह उपघटक है उनके लिए अंक है चौदह उसमें पहला उपघटक है शब्द भेद जिसके लिए अंक है एक दूसरा उपघटक है अवयव का वाक्य में प्रयोग जिसके लिए अंक है एक किसका उपघटक है संधि जिसके लिए अंक है एक चौथा सहायक क्रिया एक, क्रिया एक अंक के लिए पांचवा प्रेरणार्थक क्रिया एक अंक के लिए छठा मुहावरे एक अंक के लिए सातवा कारक एक अंक के लिए आठवा विराम चिन्ह एक अंक के, अंक के लिए और नौवा, दसवा और ग्यारहवा यह जो घटक है काल परिवर्तन दो अंकों के लिए वाक्य के भेद दो अंकों के लिए वाक्य शुद्ध करना दो अंकों के लिए कुल हो गए चौदह अंक इसमें आज हमें जो पढ़ने हैं वो उपघटक है संधि और कारक जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं तीसरा घटक और सातवां घटक हम पढ़ने वाले हैं संधि एक अंकों के लिए और कारक एक अंकों के लिए दोस्तों आप सोचेंगे कुल कृति पत्रिका अस्सी अंक की होती है संधि और कारक तो एक एक अंकों के लिए ही है तो फिर इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा लेकिन आप अगर एक बात ध्यान में रखो तो आपके समझ में आ जाएगा कि एक अंक भी कितना महत्वपूर्ण होता है बूंद बूंद से सागर बनती है यह आपको मालूम होगा या अगर आपके पास नाइन्टी नाइन रुपीज है एक रुपया कम है तो आपका सौ रुपया नहीं बन सकता तो इसलिए इस अस्सी अंक की कृति पत्रिका में संधि अगर एक अंक के लिए है और कारक अगर एक अंक के लिए है तो भी वह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए हमें इन उपघटकों की पढ़ाई करना जरूरी है महत्वपूर्ण है अब हम जो उपघटक देखने वाले हैं संधि तो संधि किसे कहते हैं यह पहले हम जान लेंगे दोस्तों संधि का अर्थ है मिलाप मेल या जोड़ना जब दो निकटवर्ती ध्वनिया आपस में मिलती है तो उसे संधि कहती है और दूसरे परिभाषा में अगर हम देखें तो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को बदलाव को संधि कहते हैं या अक्षरों के मेल और उसमें आया परिवर्तन या आया विकार या बदलाव इसे संधि कहते हैं जब दो शब्द पास आते हैं तो उनके वर्ण में जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं अब आपके ध्यान में आ ही गया होगा कि संधि किसे कहते हैं आसान सी परिभाषा में अगर हम देखें तो संधि यानी क्या जोड़ना मेल करना तो आपको संधि यानी क्या यह या समझ गया है अब हम देखते हैं संधि का उदाहरण आपको मालूम है संधि यानी क्या जोड़ना मिलाप करना अब हम देखते हैं जैसे अनाथ प्लस आलय बराबर यहां पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि दो शब्दों को क्या किया है जोड़ा हुआ है मिलाप किया हुआ है बराबर अनाथ प्लस आलय इन दो शब्दों को क्या हुआ है जोड़ा हुआ है इन दो शब्दों में देखो अनाथ थे पहले शब्द का अंतिम वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अब यहां पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है थ बराबर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा है आ तो थ, थ में कौन से वर्ण का उच्चार आता है अ थ बराबर तो हमने ले लिया अ और दूसरा शब्द है आलय उसका पहला वर्ण है आ तो यहाँ पे अ प्लस आ बराबर हो गए आ आगे अनाथ प्लस आलय ये जो थ है ये हलंत है यानी आधा ही है तो अनाथ प्लस आ प्लस लय बरोबर आगे जाके वो हो जाता है अनाथा प्लस लय बराबर हो जाता है अनाथालय इसकी परिभाषा देखिए स्वर संधि की परिभाषा देखिए जब दो वर्ण पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का देखो जब दो वर्ण पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का हमने पहले देखा देखो थ और आ पहले शब्द कौन सा है अनाथ उसका अंतिम वर्ण कौन सा है थ और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के साथ मेल हो जाता है हमने देखा थ का आ के साथ मेल हो गया है बराबर इसके सहयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं दोस्तों संधि यानी क्या जोड़ना पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके ध्यान में आ जाए पहले शब्द का अंतिम वर्ण है थ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ दोनों मिलकर दोनों का मेल होकर हो गया आ तो इस तरह से संधि बनती है आप फिर से एक बार परिभाषा ठीक से सुने जब दो वर्ण पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के पहले वर्ण के साथ मेल हो जाता है इनके सहयोग से जो विकार उत्पन्न होता है इसे ही संधि कहते हैं वैसे ही हम और दो उदाहरण देखेंगे देखो हिम प्लस आलय अब हमें परिभाषा मालूम है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे अगर देखे तो क्या है म।, म में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा है आ अ प्लस आ बराबर हो गए आ बराबर हिम प्लस लय हिम म क्या है हलंत है आधा है हिम प्लस आ प्लस लय हिमा प्लस लय आगे वो म और आ क्या हो जाते हैं ये जो आपको ब्लू अक्षर में दिख रहे हैं म प्लस आ, वो मा हो जाते हैं मा प्लस लय तो हिम का हिमा आ प्लस हो गया उसमें बराबर हिम में आ अगर प्लस कर दिया तो वो हो गया हिमा और प्लस लय तो ये बन गया हिमालय वैसे ही राम प्लस अवतार राम में अंतिम वर्ण है म म में अंतिम स्वर का उच्चार आता है अ म अ आता है और अवतार का अ पहले शब्द शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ अ अ प्लस मिलके हो जाते हैं आ अब म आधा है इसमें जब अ जुड़े तो वह आ हो जाता है बराबर राम में अगर ये हलंत म में अगर आ जोड़ दे तो वह हो जाता है रामा बराबर राम प्लस आ रामा प्लस वतार, रामा प्लस वतार बराबर रामा प्लस अवतार रामा प्लस अवतार बराबर रामा अवतार तो इस तरह से संधि बनती है शब्दों के मेल से क्या बनती है संधि बनती है तो दोस्तों संधि यानी क्या इसके बाद में हम देखेंगे संधि के प्रमुख तीन प्रकार यह जो संधि है वो कैसी बनती है यह तो हमने जान लिया अब हम देखने वाले हैं संधि के तीन प्रकार तो संधि के मुख्य तीन प्रकार है स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अब स्वर संधि किसे कहते हैं हम एक एक संधि की पढ़ाई करने वाले हैं पहले देखते हैं स्वर संधि बराबर आपने देखा संधि के तीन प्रकार है स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बराबर तो हम पहले स्वर संधि देखेंगे बाद में व्यंजन संधि देखेंगे उसके बाद में विसर्ग संधि देखेंगे तो स्वर संधि यानी क्या देखो स्वर संधि की परिभाषा देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार देखो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं जब दो स्वर पास आ जाते हैं जब दो स्वर मिल जाते हैं तो वहां पे स्वर संधि बन जाती है देखो कैसे विद्या प्लस आलय यहाँ पे दो स्वर पास कैसे आ गए हैं? विद्या का अंतिम स्वर कौन सा है आ और आलय का आ पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण विद्या हो गया आ दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा है आ, आ प्लस आ बराबर हो जाते हैं आ, तो यहां पे विद्यालय शब्द बन जाता है बराबर तो स्वर संधि में दो स्वर पास आने से स्वर संधि हो जाती है ठीक है दोस्तों ये स्वर संधि के पांच प्रकार है यह स्वर संधि पांच प्रकार की होती है और वह पांच प्रकार है दीर्घ स्वर संधि गुण स्वर संधि स्वर संधि न स्वर संधि और अयादि स्वर संधि इन पांच प्रकारों का इन पांच भेदों का हम पढ़ाई करने वाले हैं तो इसमें पहला प्रकार है स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि देखो स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि इसकी परिभाषा देखिएगा रस्व या दीर्घ देखो रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि रस्व या दीर्घ अ ई आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं बराबर तो जैसे अ और आ की संधि अ प्लस आ बराबर हो गए आ हिम प्लस आलय हिमालय आपको अभी मालूम है पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण म के आगे क्या है म अ है, बराबर आ आलय का आ बराबर अ प्लस आ तो यह हिम जो है यह हलंत है आधा है हिम आलय तो आ हो गया हिमालय उसके बाद में है ई और ई की संधि यहां पे शब्द है गिरीश गिरी प्लस ईश अब यहां पे अगर हम देखे पहले शब्द का अंतिम और कौन सा है गिरी रि गिरी ई बराबर ई प्लस ईश दूसरे शब्द का पहला वर्ण ईश तो ई प्लस ई बराबर हो गया ई तो यहाँ पे हो गई स्वर संधि दोनों स्वर ही है ई और ई पास आ गए तो शब्द बन गया गिरी प्लस ईश गिरीश उ और उ की संधि वधू बराबर उसके बाद में दूसरे वर्ण का पहला शब्द कौन सा है उ वधू का उ और उत्सव का उ उ प्लस उ मिलके हो गए उ तो वह शब्द बन जाता है संधि बन जाती है जुड़कर वधुत्सव तो यह जो दीर्घ स्वर संधि है इसमें दोनों स्वर दोनों दीर्घ स्वर पास में आकर जो संधि बनती है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं अब दोस्तों दीर्घ संधि स्वर संधि हमें कैसे पहचाननी है हम कैसे पहचाने जल्दी से इसकी यह हाँ, आइडिया है शब्द ये ध्यान में रखिएगा शब्दों के बीचों बीच आ, ई और ऊ की मात्रा आती है तब दीर्घ स्वर संधि बन जाती है बराबर देखिएगा अभी शब्द है विद्यार्थी बराबर विद्या आ प्लस थी बराबर आ प्लस आ बराबर हो गया आ यहाँ पे काना आ गया दीर्घ स्वर आ गया आ, अ, अ और आ हो गया तो यहां पे हो गई दीर्घ स्वर संधि यानी जिस शब्द में बीचों बीच काना लगा होता है वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है उसके बाद में है दूसरी वेलांटी वाला देखो मुनिश मुनि प्लस ईश प्लस ई हो गया ई और मुनि प्लस ईश बराबर मुनिश तो इनके बीचों बीच बराबर नी वेलांटी लगी हुई है लेकिन वो कौन सी है दीर्घ है बराबर तो जहां पे दीर्घ वेलांटी होती है यहां पे पक्का दीर्घ स्वर संधि होती है बराबर वैसे ही आगे दूसरा उकार जहाँ पे लगा होता है शब्दों के बीचों बीच वहां पे हो जाती है दीर्घ स्वर संधि देखो भानु प्लस उदय नू भानु का नू और उदय का उ, उ उ मिला के हो गए उ तो यहाँ पे जब दूसरा उकार आता है तब भी दीर्घ स्वर संधि हो जाती है शब्दों के बीचों बीच अगर काना आ जाए देखो विद्यार्थी में ड्या में काना है शब्दों के बीचों बीच दूसरी वेलांटी आ जाए देखो मुनिष में दूसरी वेलांटी है शब्दों के बीचों बीच में दूसरा उकार आ जाए देखो भानोदय में दूसरा उकार है तो यहाँ पर संधि पहचानने की बहुत आसान आइडिया है कि जिस जिन शब्दों में दूसरा उकार दूसरी वेलांटी और काना होता है वह पक्के दीर्घ स्वर संधि होते हैं वैसे ही हम हम उदाहरण अगर देखें काना के तो शिवालय वहां में काना लगा हुआ है देवालय देवालय में वहां में काना लगा हुआ है वेलांटी के अगर उदाहरण देखे तो कविश वी वी में दूसरे वेलांटी लगी हुई है सतीश ती में दूसरी वेलांटी लगी हुई है वैसे ही वधुलेख धू में दूसरा उकार लगा हुआ है सिंधुर्मी यहाँ पे धू में दूसरा उकार लगा हुआ है तो इस तरह से हम दीर्घ स्वर संधि पहचान सकते हैं स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि देखो इन गुण स्वर संधि में अ आ के आगे ई हो तो ए बन जाता है देखिए अ आ के आगे ई और ई हो तो ए बन जाता है तथा उ उ हो तो ओ बन जाता है और त्रु हो तो अर हो जाता है इसे गुण संधि कहते हैं बराबर अब हम देखेंगे अ प्लस ई बराबर ए हो गया हमने परिभाषा में देखा अ आ हो या इ e e हो तो आई हो जाता है बराबर तो यहां पे अ प्लस ई बराबर ए हो गया नर र का अंतिम वर्ण क्या है अ और ईश e. नर प्लस ईश नरेश वैसे ही महा प्लस उत्सव महा हा का अंतिम वर्ण है आ और उत्सव का पहला वर्ण है उ यहाँ पे हो गया महा प्लस उत्सव महोत्सव यहाँ पे आ और उ आ प्लस उ का ओ हो गया हमने परिभाषा में देखा था अ आ ई उ, उ का ए हो जाता है और उ, उ का ओ उ हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो गया ओ हो गया महा का महो हो गया तो शब्द बन गया महा प्लस उत्सव महोत्सव वैसे ही तीसरा शब्द देखो महा ऋषि महा का आ और रू का रू तो आ प्लस रू क्या हो जाता है हमने परिभाषा में देखे अर हो जाता है तो वैसे ही यहां पे आ प्लस रू अर हो गया तो महा प्लस ऋषि महर्षि बन गया यह गुण स्वर संधि हम कैसे पहचान सकते हैं उसका आसान तरीका कौन सा है तो यहाँ पे आप देखेंगे शब्दों के बीचों बीच ओ का प्रयोग हो जाता है देखो शब्दों के बीचों बीच ए, ओ, अर का प्रयोग हो जाता है शब्दों के बीचों बीच बराबर एक का का प्रयोग होता का प्रयोग होता होता है। है, शब्दों में तब स्वर संधि होती है देखो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है शब्दों के बीचों बीच ओ और अर का उपयोग शब्दों के बीचों बीच मात्रा का प्रयोग शब्दों के बीचों बीच रफार का प्रयोग जब हो जाता है तब गुण स्वर संधि हो जाती है जैसे महेश इसमें हे में एक मात्रा है गणेश गणेश में भी एक मात्रा का प्रयोग है हमने परिभाषा में देखा एक मात्रा का प्रयोग हो तो पक्की गुण स्वर संधि होती है देवेंद्र एक मात्रा है महेंद्र हे में एक मात्रा है महोत्सव ओ का उपयोग है व का ओ का प्रयोग किया है इस शब्द में तो यह भी गुण स्वर संधि है देवर्षि सप्तर्षी इन दो शब्दों में भी रफार का प्रयोग है अर का प्रयोग किया गया है इसलिए यह गुण गुण स्वर संधि है और गुण स्वर संधि इन आइडिया से हम पहचान सकते हैं जिसमें आई ओ अर और एक मात्रा और रफार का प्रयोग होता है वह गुणस्वर संधि होती है तीसरी स्वर संधि का प्रकार है रुद्धि स्वर संधि देखो आपको शब्द पढ़ते ही पता चल गया होगा वृद्धि वृद्धि यानी क्या बढ़त बराबर तो अब यहां पे क्या हो गया अ आका ए आई से मेल होने पर ऐ हो जाता है देखो अ आका ए आई से मेल होने पर ऐ हो जाता है तथा अ आका ओ से मेल होने पर औ हो जाता है इसे रुद्धि स्वर संधि कहते हैं जैसे एक प्लस एक एक का अंतिम वर्ण कौन सा है क और एक का पहला वर्ण कौन सा है ए अ प्लस ए बराबर हो गया ए. तो एक प्लस एक हो गया एक एक वैसे ही अगले शब्द भी है मत त का अ क्या क्या, प्लस आई ए, ए हो गया तो शब्द हो गया मत ऐक्य वन प्लस औषधि वन का न का अ, और ओ, अ प्लस ओ बराबर हो गया तो औ हो गया औ तो शब्द बन गया वन औषधि बराबर यह जो स्वर संधि है यह हम कैसे पहचान सकते हैं आसानी से वो देखिएगा इस रुद्धि स्वर संधि में शब्दों में औ मात्रा का प्रयोग होता है यानी दो मात्रा का प्रयोग होता है बराबर वो जो हमने गुण स्वर संधि देखी उसमें एक ही मात्रा का प्रयोग होता था यह जो रुद्धि स्वर संधि है रुद्धि हो गई एक मात्रा का दो मात्रा हो गया बराबर रुद्धि यानी क्या बढ़त एक मात्रा का दो मात्रा हो गया वो जो गुण स्वर संधि थी दूसरी उसमें एक मात्रा का प्रयोग था यह जो रुद्धि संधि स्वर संधि है इसमें एक की जगह दो मात्रा का प्रयोग होता है देखो गुण स्वर संधि में एक मात्रा का प्रयोग होता था अब रुद्धि स्वर संधि में दो मात्रा का प्रयोग होता है तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं बराबर जैसे देखो सदैव दैव दई के ऊपर दो मात्रा आ गई मत तई के ऊपर दो मात्रा आ गई एक कई के ऊपर दो मात्रा आ गई वैसे ही वन औषधि वसुधैव आदि जो शब्द होते हैं जिन शब्दों में दो मात्रा होती है वह रुद्धि स्वर संधि होती है जिन शब्दों में एक ही मात्रा होती है वह गुण स्वर संधि होती है अब स्वर संधि का जो चौथा प्रकार है वह है यण स्वर संधि देखो शब्दों में ई ई के आगे कोई विजातीय या असमान स्वर होने पर ई ई का यह हो जाता है बराबर ऊ उ -उ के आगे किसी विजातीय स्वर आने पर ऊ और ऊ का व हो जाता है रू के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर रू का र हो जाता है इसे यण स्वर संधि कहते हैं देखो हम पहला देखेंगे ई के आगे कोई विजातीय स्वर हो तो यह हो जाता है दूसरा है के आगे कोई विजातीय स्वर हो तो वह हो जाता है और तीसरा है रू के आगे कोई विजातीय स्वर हो तो र हो जाता है अब देखेंगे शब्द देखिएगा अत्यंत अत्यंत अति प्लस अंत अब अति पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ई अति ई हो गया अंत दूसरे शब्द का पहला वर्ण इसका और उसका आ, ए प्लस अ अब हमने ऊपर देखा ई प्लस अगर समीप आ जाए तो उसका यह हो जाता है पहले परिभाषा में देखो ई के आगे ई के आगे कोई असमान स्वर हो तो उसका यह हो जाता है तो यहां पर भी वैसे ही हुआ है ई प्लस ई यह ये हो गया और अति प्लस अंत यह शब्द बन गया अत्यंत बराबर अब दूसरा शब्द देखो स्वच्छ सु प्लस अच्छ सु का अंतिम वर्ण है उ, और अच्छा का पहला वर्ण है अ उ और अ, अ, अ अगर जुड़ जाए तो वह व बन जाता है तो यहाँ पे भी वैसे ही हो गया सु प्लस अच्छ स्वच्छ हो गया अब तीसरी हमने परिभाषा देखी थी रू का र हो जाता है तो यहाँ पे शब्द है पित्राज्ञा पित्राज्ञा के अगर विच्छेद हम करें तो पितृ प्लस आज्ञा पितृ का अंतिम वर्ण है त्रु यह रू इधर आ गया आज्ञा का आ प्लस आ र हो गया बराबर रा र प्लस आ पित्रा बराबर त्रा हो गया त्रा र प्लस आ क्या हो गया त्रा तो यहां पे पितृ प्लस आज्ञा यह हो गया पित्राज्ञा आप बोलेंगे सर स्वर संधि कैसे पहचानेंगे उसकी भी आइडिया है तो यह है स्वर संधि पहचानने की आइडिया शब्दों में अगर य से पहले आधे अक्षर का प्रयोग होता है तो यह स्वर संधि होती है यण स्वर संधि में आधे मात्र का प्रयोग होता है इससे आपको तो पता ही चल गया होगा कि संधि किसे कहते हैं जिस शब्द में शब्द में शब्द जुड़ा हो आधा शब्द जुड़ा हो आधा अक्षर जुड़ा हो आधा अक्षर जुड़ा हो किसके पहले य र और व के पहले अगर आधा अक्षर जुड़ा हो तो वह यण स्वर संधि होती है अब यहां पे कुछ उदाहरण दिए हुए इसमें कौन सा आधा वर्ण जुड़ा हुआ है यह हम देखेंगे कौन सा आधा मात्रा जुड़ा हुआ है यह हम देखेंगे इसमें देखियो अत्यंत य के पहले त जुड़ा हुआ है बराबर हमने देखा था यह के पहले अगर कोई आधा वर्ण जुड़ जाए या आधा मात्रा जिसे हम कहते हैं वह जुड़ जाए तो वह यन स्वर संधि कहते हैं तो यहाँ पे य के पहले त जुड़ गया दूसरा शब्द है अन्वय व के पहले न जुड़ गया मात्रा बराबर इसमें भी जुड़ गया इत्यादि य के पहले त जुड़ गया स्वागत में भी व के पहले स जुड़ गया तो इस तरह से हम यन स्वर संधि पहचान सकते हैं कि शब्दों में अगर आधे अक्षर का प्रयोग हो या आधे मात्रा का प्रयोग हो तो उसे यन स्वर संधि हम जल्द से पहचान सकते हैं उसके बाद है अयाधि स्वर संधि दोस्तों आयादी स्वर संधि में ये और ए और ओ से पहले किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः हो जाता है तो इसे आयादी स्वर संधि कहते हैं देखो ये ए और ओ ओ से पहले अगर किसी भी स्वर आ जाए तो उसे अयाधी स्वर संधि कहते हैं इसमें भी देखो नयन शब्द है उसका विच्छेद करें तो ने प्लस अन तो ने का ए आ गया अन का अ आ आ प्लस आ, आ हो गया, तो न नयन हो गया बराबर उसके बाद में है गायक गायक का विच्छेद गई प्लस अख गई का और अक का आ, आ प्लस अ आय गई प्लस अख बराबर गायक वैसे ही पावक पावन बराबर पउ प्लस ऊन तो पौ का औ पहले शब्द का अंतिम वर्ण अव और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ तो प्लस आ, आ हो गया तो यहां होगा यह जो अयाधी स्वर संधि है यह हम कैसे पहचानेंगे जल्दी से तो इसकी भी आइडिया है शब्दों के बीचों बीच ज्यादातर ये और ओ का प्रयोग हो जाता है देखो शब्दों के बीचों बीच बराबर ये और अ का प्रयोग हो जाता है यह अयाधी स्वर संधि होती है अयाधि स्वर संधि में ज्यादातर तीन अक्षर वाले शब्द होते हैं बराबर देखो उदाहरण के तौर पर चयन गायक गायन नयन पवन पावक श्रवण धावक जावक भवन रावण आदि इन शब्दों में बराबर बीचों बीच यह और व का प्रयोग किया गया है जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं तो यह अयाधि स्वर संधि पहचानने का आसान सा तरीका है दोस्तों हमने स्वर संधि देखी स्वर संधि के पांच प्रकार देख लिए अब देखेंगे व्यंजन संधि संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं स्वर संधि में स्वर और स्वर पास में आ जाते हैं तो स्वर संधि बन जाती है व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग हो जाता है वो पास आ जाते हैं तो परिवर्तन हो जाता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं देखो व्यंजन प्लस स्वर पास में आ गए हैं तो व्यंजन संधि हो गई है दिगंबर शब्द का दिक प्लस अंबर क अ का अ दिक का क और अंबर का अ दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर यहाँ पे क्या हो गया है एक व्यंजन पास आ गया एक स्वर पास आ गया तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो गई वैसे ही सदाचार सत प्लस आचार सत त और आचार का आ त प्लस आ बराबर तो सत प्लस आचार यह सदाचार हो गया व्यंजन और स्वर पास आ गए तो यह व्यंजन संधि कहलाती है वैसे ही व्यंजन और व्यंजन भी पास आए जो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है जैसे यहाँ पे त और जो पास आ गया सत प्लस जन बराबर सज्जन हो गया वैसे ही यहाँ पे आधा म और च पास आ गया वैसे ही सम प्लस चय संचय हो गया तो व्यंजन संधि पहचानना बहुत ही आसान है जब दो व्यंजन पास आ जाते हैं या एक स्वर और एक व्यंजन पास आ जाते हैं तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं तीसरी संधि है विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं यह तो सबसे आसान है बराबर तप के बाद विसर्ग आ गया प्लस बल हो गया तपोबल तो यह हो गई विसर्ग संधि वैसे ही नी के बाद विसर्ग आ गया प्लस आशा तो हो गया निराशा दू के बाद विसर्ग आ गया प्लस बल तो बराबर हो गया दुर्बल मन प्लस हर मनोहर तो इस तरह से विसर्ग संधि भी बहुत आसान होती है दोस्तों हमने संधि और संधि के प्रकार देखे उसके ऊपर कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे किस तरह के स्वाध्याय आएंगे वो देखते हैं देखो इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकता है संधि कीजिए प्रश्न दिया होगा एक दो तीन शब्द दिए गए होंगे विद्या प्लस आनंद दूसरा है रवि प्लस इंद्र तीसरा है रमा प्लस ईश इसकी क्या करना है संधि करना है तो उत्तर भी कैसे लिखना है देखो बहुत ही आसान है संधि करना यानी शब्दों को जोड़ना है समीप लाना है नजदीक लाना है उनका मिलाप करना है तो देखो पहले हमने शब्द लिख लिए विद्या प्लस आनंद वो उसका उत्तर हो गया विद्यानंद रवि प्लस इंद्र रविंद्र रमापस रमेश तो इस तरह से आप अगर उत्तर लिखेंगे तो आपके पूरे के पूरे आपको अंक मिल सकते हैं दूसरा प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा देखो संधि विच्छेद कीजिए इस तरह से पहले हमने क्या देखा संधि कीजिए बराबर यानी जोड़िए अब यहाँ पे क्या है संधि विच्छेद कीजिए क्या तोड़ना पहले हमने देखा जोड़ना और बाद में देखेंगे तोड़ना तो दोनों तरह के प्रश्न आ सकते हैं पहले संधि अब फिर विच्छेद ऐसे शब्द दिए गए होंगे आपको दिग्गज पुण्यात्मा महेंद्र देवर्षि इस तरह के शब्द आपको दिए होंगे तो आपको उसको क्या करना है तोड़ना है विच्छेद विच्छेद करना है मतलब तोड़ना तो जो शब्द पूछे गए थे वो हमने लिख दिग्गज पुण्यात्मा महेंद्र देवर्षि अब हम उत्तर देखेंगे दिग्गज की दिग्गज इस संधि की विच्छेद क्या आएगा दिग प्लस गज पुण्यात्मा का पुन्य प्लस आत्मा महेंद्र का महा प्लस इंद्र देवर्षि का देव प्लस ऋषि तो इस तरह से आपको उत्तर लिखने हैं बहुत ही आसान है तीसरा किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा किस कौन सी संधि है संधि पहचानिए देखो किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको अलग अलग टाइप के संधि कीजिए उसके बाद है संधि विच्छेद कीजिए उसके बाद संधि पहचानिए आपको संधि को पहचानना है ऐसे प्रश्न दिए गए शब्द दिए गए रहेंगे आपको दिक प्लस विजय न्यू प्लस नी प्लस रव सूर्य प्लस उदय हमने वो वैसे के वैसे इधर लिख लिए और कौन सी संधि है दिक प्लस विजय यह व्यंजन संधि व्यंजन संधि कैसी है, कैसे है? कर और व पास आ गए तो व्यंजन हो गए व्यंजन व्यंजन पास आ गए तो व्यंजन संधि हो जाती है नी के बाद क्या है विसर्ग है तो यह विसर्ग संधि हो गई सूर्य प्लस उदय तो यहाँ पे स्वर स्वर पास आ गए तो यह स्वर संधि हो गई दोस्तों ऐसी भी आपको प्रश्न आता है तालिका पूर्ण कीजिए संधि विच्छेद संधि के भेद और प्रकार पे आपको पहचानना होगा विद्या प्लस आनंद कौन सा शब्द है विद्या और यहाँ पे तपोबल की संधि विच्छेद करना है संधि का प्रकार आपको बताना है उसके बाद में दिग्विजय शब्द का विच्छेद करना है और संधि का भेद आपको बताना है तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको तालिका पूर्ण कीजिए इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर भी आपको लिखना होता है तो आपको संधि का विच्छेद करना है संधि पहचाननी है और संधि के प्रकार भी लिखने हैं तो आपको वो इस तरह से लिखना होता है देखो विद्यानंद शब्द दिया था उसका संधि हो गया यानी जोड़ दिया विद्यानंद उसकी स्वर संधि है तपबल बरबर तपोबल शब्द दिया था हमको एग्जाम में देखो तपोबल दिया था उसका हो गया तप प्लस बल विसर्ग संधि संधि है है विजय, विजय यह व्यंजन तो इस तरह से संधि के ऊपर आपको प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों हमने संधि संधि के प्रकार और किस तरह के प्रश्न आएंगे यह तो देख लिया उसके बाद में हमारा जो दूसरा उपघटक है कारक वो देखेंगे कारक किसे कहते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं देखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं कारक को ही या विभक्ति भी कहते हैं कारक के कुल आठ प्रकार आठ भेद होते हैं और आठ चिन्ह होते हैं वो देखेंगे देखो कारक के आठ भेद और आठ कारक चिन्ह आठ प्रकार कौन से है कारक, कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक संबंध कारक अधिकरण कारक और संबोधन कारक हर एक प्रकार का कारक चिन्ह अलग अलग होता है कर्ता कारक का ने कर्म कारक का को करण कारक का से संप्रदान कारक का के लिए अपादान कारक का से संबंध कारक का काकी के अधिकरण कारक का में और संबोधन कारक का पर अब यह जो कारक और कारक चिन्ह है यह कैसे होते हैं कैसे उपयोग होता है इनका वाक्य में ये देखेंगे देखो पहला कारक भेद है कर्ता और उसका चिन्ह है ने तो कर्ता कारक कैसे समझेगा क्रिया का या कार्य करने वाला जो होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं देखो कार्य करने वाला अब उदाहरण देखो मनीषा ने फोन किया चिन्ह क्या है ने तो हमें यहाँ पे कार्य करने वाला कौन है मनीषा है क्रिया करने वाला कौन है मनीषा है तो उसका कारक चिन्ह है ने कर्म कारक जिस पर क्रिया का कार्य का प्रभाव पड़े जिस पर क्रिया का यानी कार्य का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है जैसे देखो रावण ने रा, राम ने रावण को मारा यह जो किस पर हो रही है क्रिया रावण पर कौन कर रहा है राम तो राम ने रावण को मारा यह जो को है यह कारक चिन्ह है बराबर करण कारक जिसकी सहायता से क्रिया का, की जाए अजय ने पेंसिल से स्केच बनाई अजय ने क्या किया किसकी सहायता ली पेंसिल की सहायता ली तो अजय ने पेंसिल से यह जो से है यह करण कारक है संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं देखो उदाहरण पापा ने सोनू के लिए बुक लाए पापा सोनू के लिए बुक लाए किसके लिए बुक लाए सोनू के लिए तो यह संप्रदान कारक हो जाता है अगला है अपादान कारक जिससे किसी वस्तु के दूर हटने अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं जैसे अमित चाचा अस्पताल से घर आए दूर हो गए अस्पताल से क्या हो गए दूर हो गए यानी घर आए यानी दूर हो गए तो दूर होने का बोध होता है तो वह अपादान कारक हो जाता है छठा है कारक संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से प्रक संबंध प्रकट हो जाता है तो वह कारक हो जाता है देखो उदाहरण सोनू मनु का भाई है हाँ, सोनू मनु का भाई है तो का क्या है कारक संबंध कारक है सातवा है अधिकरण कारक जिस शब्द से क्रिया कार्य के आधार पर बोध क्रिया या कार्य के आधार पर बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं उदाहरण देखो गांधी जी आश्रम में थे कहा थे आश्रम में तो यह जो में है यह अधिकरण कारक है और आठवा है संबोधन कारक इसका चिन्ह है पर जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक हो जाता कहते हैं देखो अरे अमन तुम कहा हो यह जो अरे है यह पुकारा है तो यह संबोधन कारक है इस तरह से आठ प्रकार और आठ कारक चिन्ह हमने देखे उसके ऊपर आपको किस तरह से कृति या प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में वो देखते हैं कृति एमुस्य कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे कीजिए यहाँ पे कुछ द ब्लैंक दिए हुए हैं इसके इनके बीच में आपको क्या लगाना है कारक चिन्ह लगाने हैं अब कारक चिन्ह कौन से थे हमने देखे ने को से के लिए से हमने पहले स्लाइड में देखा ये जो कारक चिन्ह है आठ कारक भेद के आठ कारक चिन्ह हमें याद रखने हैं और परीक्षा में पूछे जाए तो वो लिखने हैं अब देखो यहाँ पे कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे कीजिए पूनम देहरादून डॉट डॉट से आई दूसरा है प्रीति डॉट डॉट खाना बनाया मनीषा सोहम डॉट 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 खिलौने लाई पेड़ डॉट 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 बंदर है मेज डॉट 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 इधर खिसका दो कितना सिंपल है उत्तर कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं पूनम देहरादून से आई कितना आसान है प्रीति ने खाना बनाया मनीषा सोहम के लिए खिलौने लाई तो आपको इस तरह के कारक वाक्य में लिखने हैं पेड़ पर बंदर है अगर हम लिखेंगे पेड़ के बंदर है तो गलत हो जाएगा तो पेड़ पर बंदर है मेज को इधर खिसका दो इस तरह से अगर आप उत्तर लिखेंगे तो आपके पूरे अंक आपको मिल जाएंगे और इस तरह से आप इस तरह का भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है रेखांकित कारक चिन्हों के स्थान पर सही चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखे या जो कारक चिन्ह दिया है हुआ है प्रश्न में वो गलत है आपको सही लिखकर उसे बराबर लिखना है देखो पहला वाक्य अपूर्व को खान खाना खा लिया यह वाक्य बराबर लगता है क्या अपूर्व को खाना खा लिया नहीं तो उसका उत्तर क्या आएगा अपूर्व ने खाना खा लिया ये जो को चिन्ह है वो हमने बदल कर ने कर दिया तो बराबर आ गया साहिल छत में गया में जगह साहिल छत पर गया यह बराबर है किसन से भाई इधर आ रहा है किसन का भाई इधर आ रहा है ऐसा लिखना है अखबार पर यह समाचार छपा है पर के जगह अखबार में यह समाचार छपा हुआ है उसके बाद में मां में भिकारी से खाना दिया कारक जो लगी हुए ब्लू अक्षर में ये गलत है तो बराबर कारक चिन्ह से ने भिकारी को खाना दिया तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इस तरह से उत्तर लिखने हैं उसके बाद में और एक प्रकार के प्रश्न आता है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसके भेद लिखिए तो आपको क्या करना होता है वाक को पढ़कर उनमें कौन सा कारक है वो पहचानना है और उसके भेद लिखने हैं तो पहला वाक्य है घर में उनकी हुकूमत थी इसमें घर में यह कारक है और वो कौन सा प्रकार का है अधिकरण कारक दूसरे वाक्य में गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी उसमें गति से यह करण कारक है तीसरे वाक्य में परिजनों और पड़ोसियों का काफी लाशा था और कारक है पड़ोसियों का कारक और कारक उसका प्रकार है ये सिल्वर क्रीम किसके लिए रखी है के लिए यह संप्रदान कारक है अरे राजू क्या कर रहे हो अरे राजू यह कारक है और वह संबोधन कारक है उसके बाद में है यह कहना कठिन है कि वह गांव से कब लौटेंगे तो यह अपादान कारक है सुबह मोनू ने दूध के कटोरे में को छुआ तक नहीं मोनू ने यह कर्ता कारक है वह सारे मोहल्ले को तंग करता यह कर्म कारक है तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं आपको उत्तर ठीक से लिखना है यानी आपको पूरे अंक मिले दोस्तों तो इस प्रकार आज हमने व्याकरण की पढ़ाई करना क्यों महत्वपूर्ण है संधि किसे कहते हैं संधि के प्रमुख तीन प्रकार स्वर संधि के पांच प्रकार उसके बाद में उसके ऊपर संधि के ऊपर किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बाद में देखा कारक कारक चिन्ह कारक के प्रकार और कारक के ऊपर किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे यह सब हमने देखा दोस्तों मुझे आशा है कि आपको और कारक अच्छी तरह से ध्यान में आ गया होगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आपको अच्छी शिक्षा के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे bmcedu.9 एम या नवी कक्षा के लिए और दसवीं कक्षा के लिए बी डॉट टेन इस YouTube चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो